पुराने समय में लोग खाना पकाने और परोसने के लिए मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन समय बदलने के साथ ही ये परंपरा कहीं खो सी गई है। रसोई में रखे मिट्टी के बर्तनों की जगह आज स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तनों ने ले ली है। लेकिन क्या आप जानते हैं मिट्टी के बर्तनों में पकाया और खाए जाने वाला भोजन सेहत के लिहाज से कितना अच्छा होता है? आइए जानते हैं क्या है मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाने के फायदे और इसके इस्तेमाल और धोने का सही तरीका। मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने के फायदे। मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने से खाने में आयरन, फॉस्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा भी खूब पाई जाती है, जो शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होती है। मिट्टी के बर्तनों में होने वाले छोटे छोटे छेद आंख और नमी को बराबर सर्कुलेट करते हैं, इससे खाने के पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। मिट्टी में बने बर्तनों में कम तेल का इस्तेमाल होता है। मिट्टी के बने बर्तनों में खाना स्वादिष्ट बनता है। इन बर्तनों में भोजन पकाने से पौष्टिकता के साथ साथ भोजन का स्वाद भी बढ़ जाता है। अपच और गैस की समस्या दूर होती है। कब्ज की समस्या से भी निजात मिलता है। भोजन में मौजूद पोषक तत्व नष्ट नहीं होते। भोजन का पीएच वैल्यू मेंटेन रहता है। इससे कई बीमारियों से बचाया जा सकता है। कैसे करें मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल? सबसे पहले मिट्टी का बर्तन बाजार से घर खरीद कर लाने के बाद उस पर खाने वाला तेल, जैसे कि सरसों का तेल, रिफाइंड आदि लगाकर बर्तन को 3/4 पानी भरकर रख दें। इसके बाद बर्तन को धीमी आंच पर चढ़ाकर ढक दें। कुछ समय पकने के बाद उसे उतार लें और ठंडा होने के लिए रख दें। इसमें मिट्टी के बर्तन सख्त और मजबूत हो जाएगा। साथ ही इसमें बर्तन में कोई रिसाव भी नहीं रहेगा और मिट्टी की गंध भी चली जाएगी। बर्तन में खाना बनाने से पहले उसे पानी में डुबोकर 15 से 20 मिनट के लिए रख दें। इसके बाद गीले बर्तन को सुखाकर उसमें भोजन पकाएं। मिट्टी के बर्तन कैसे धोने हैं, इस बात की जानकारी न होने की वजह से भी कई बार लोग इन्हें खरीदने से भी परहेज करते हैं। मिट्टी के बर्तनों को धोना बहुत ही आसान होता है। इसके लिए आपको कोई केमिकल युक्त साबुन या लिक्विड की जरूरत नहीं होती। आप उन बर्तनों को सिर्फ गर्म पानी की मदद से भी धो सकते हैं। बर्तनों को साफ करने के लिए आप चाहें तो नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इन्हें रगड़कर भी धोना चाहते हैं तो भी कोई परेशानी नहीं होती।